काका बाबा बधाई राम राम। हूँ आ गया तमारी स्वा मुकेश परमार। खबर है जेव रीते बात करें आज आने की जेव रीते फूलवाड़ी पार्टी आने की जन आशीर्वाद यात्रा निकले ये बात बात करें तो कांग्रेस ने भी जन आक्रोश यात्रा ने शुरू कर नाखी। जेव रीते बात करें तो अलग अलग क्षेत्र ने अलग अलग संभाग की बात करें तो अलग अलग संभाग में मोटा मोटा जो नेता से तीन जिम्मेदारी आली मिली। तेव रीते बात करें तो झाबवा निमाड़ अन्न मालवा क्षेत्र की बात करें तो कांतिलाल भूरियो जो पूर्व मंत्री उतरो अने तीन केंद्रीय पूर्व मंत्री से तीना कांतिलाल भूरिया ने प्रभार आलियो तीना नेतृत्व में जन आक्रोश यात्रा निकाल मिली। तो जेव रीते बात करें तो खरगोन खडवा तरफ थी यात्रा शुरू थाई अने बाद आ झाबवा में पूगी झाबवा में राणापुर में जनसभा संबोधित करियो अंतिम भाषण में शिवराज सरकार पर कड़क आरोप प्रत्यारोप लगाड़ो कड़ो भी करियो वात्यो भी कह दियो कि हमारी आ वाला समय में कांग्रेस सरकार से हम पुरानी कर्मचारी या अधिकारियों ने भी कहा कि हम पुरानी पेंशन लगाड़ूँ या हमारी पुरानी जो सरकार ने जो पुरानी पेंशन लागू नहीं थाई रही तीन लागू करवानी बात करी। तो हेव रीते कांतिलाल भूरिये अन विक्रांत भूरिये भानु भूरिया पर भी तीखो हमलो करियो तीन पर आरोप प्रत्यारोप लगे तो कि गुंडाराज आवी रू अने गुंडाराज साली रू तीहना कार्यकाल में एवं रीते तीहू बात की थी। आखिर जेव रीते सुनाव आए आरोप प्रत्यारोप दौर साले अन घेर घेर ठीकरे ठीकरे अन फले फले तक अन फूगवानी कड़ कर रहा। जेव रीते नेता 5 साल तक देखाई नहीं लेकिन अब यात्राओं ने जरिए या तीहू अलग अलग तीहू माध्यम तीहू नाम अलग हो लेकिन ठिकाणों एक से क्योंकि वोट लेवानू हाथ जोड़े पाँव पड़े क्योंकि अन फिर 5 साल में कहीं देखाई नहीं लेकिन यात्रा ने माध्यम थी हमने फलिए फलिए जावानी कड़ियों शुरू थी गयो। आखिर आ वाला समय में 2023 ने जो चुनाव विधानसभा थानों से तीन कूनी सरकार बने से फूल वाली पार्टी गिरा का हमारी सरकार बने कांग्रेस वाली पार्टी ना नेता गिरा हमारी सरकार बने तो आ वाला समय मालूम पड़ेगा आखिर सरकार कूनी बनी सके। तो हे भी रीते हूँ मुकेश परमार तुम्हारी सीमा खबर अन जानकारी लेने आवतो रही काका बाप दा राम राम। जन आक्रोश यात्रा निकालने कांग्रेस क्यों जरूरत पड़ी भाई? हमारी जन आक्रोश यात्रा खरगोन से और पूरे प्रदेश में यात्रा चल रही है और हमारे लोग परेशान हैं और जो सरकार का खजाना से जितना पैसा वो किसानों के लिए भेजना था वो सब पैसे निकाल के उन्होंने अपने जेब में रख लिए और किसानों की यह हालत हो रही है कि कोई सुनने वाला नहीं है। पटवारी सब हड़ताल पे, आज अतिवृष्टि से फसल चौपट हो गई, सूखा से हो गई, आज उस फसल के मुआवजा आकलन सर्वे करने के लिए कोई नहीं जा रहा। इसलिए हमने कहा भाई सर्वे कराओ और उनका जितनी नुकसानी है वो सरकार दे। जब नियम है कानून है कि अगर अतिवृष्टि होने में फसल नुकसान होता, सूखा होने में फसल नुकसान होता तो सरकार पैसा खजाने से देती है, मगर ये सरकार चुप बैठी है। पटवारी सब हड़ताल पे चले गए और शिवराज मामा आंख बंद करके बैठ गया और जो जितने मंत्रिमंडल वो अपने अपने दुकान चला रहे हैं पर किसानों की कोई सूद नहीं ले रहे हैं। इसलिए उसका हम आँख खोलने के लिए हम ये आपके यात्रा जो खरगोन से लेके आए हैं और उसको जन आक्रोश रैली लेके आए हैं वो मैं जगह जगह जाके सब लोगों से बात कर रहा हूँ और इसलिए हम लाए कि उनको सबका हक उनको दे, नौजवानों को नौकरी दे। आज 4 लाख पद खाली पड़े क्यों नहीं दे रहे हैं? आपके फसल बीमा क्यों नहीं दे रहे हैं? किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ़ कर रहे हैं? और उन्होंने कई प्रकार के आश्वासन दिए थे पर वो एक का नहीं पूरा किया। इसलिए जन आक्रोश रैली और चल के और फिर हमने महामहिम राज्यपाल को बताया कि आपकी सरकार इस तरह से झूठ बोल रही है, किसान कैसे परेशान हो रहे हैं, उनको क्यों नहीं सुन रहे हैं, गरीब आदमी की लोगों का जीना हराम हो रहा है, माता बहनों को साथ अत्याचार हो रहा है, ये क्या हो रहा है आज मेरे जगह जगह। इसलिए ये जन आक्रोश और नेपाल ने